अगर आप इस वीडियो को TCL, कूलपैड, जिमनी, लिनोवो, वन प्लस, टेक्नो और MI, ओप्पो, वीवो के मोबाइल में देख रहे हो तो आपको चाइना को धन्यवाद देनी चाहिए। आज भारत में YouTube, Facebook, PUBG, कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे एप्लीकेशन को बिना किसी असुविधा के अपने स्मार्टफोन में चला पा रहे हो। ये संभव हो पाया है तो सिर्फ चाइना के वजह से, क्योंकि आपको लगता है अमेरिका की ये कंपनी 8000 की प्राइस में चाइनीज मोबाइल जैसी सुविधा दे सकती है। अमेरिका को छोड़िए, क्या भारतीय मोबाइल कंपनी आपको ये सुविधा दे रही है? आपका मोबाइल किस कंपनी का है मुझे कमेंट में जरूर बताना। और आप क्या आप जानते हो कि ये जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है भारतीय कंपनी है? तो क्या आपका मोबाइल इन कंपनियों में से है? कईयों को तो कुछ कंपनियों के नाम इस वीडियो में पता चला होगा। आपको मैं बता दूं, एप्पल कहता है अगर आपको फास्ट चार्जिंग की सुविधा चाहिए तो आपको एप्पल स्टोर से फास्ट चार्जर खरीदनी होगी। तो इससे सिद्ध होता है कि चाइनीज मोबाइल इंडस्ट्री हमारा कितना हेल्प कर रही है। आज भारत के हर व्यक्ति 10,000 का स्मार्टफोन खरीद कर उन सारी सुविधाओं का लाभ उठा रहा है जो आज एप्पल यूजर को मिल रही है। अगर बात करें हम अमेरिकी स्मार्टफोन की, तो हमारा सरकार भी नहीं चाहता कि हर भारतीय एप्पल मोबाइल यूज करे, क्योंकि भारत अमेरिका के प्रोडक्ट में भारी भरकम टैक्स ला देता है। अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं भारत उन देशों में से एक है जो टैक्स के मामले में नंबर एक पर आता है। यहाँ तक भारत के कुछ ऐसे भी सामान है जो उसके मैन्युफैक्चर से ज्यादा उसमें टैक्स जुड़ी रहती है। आपको बता दूं, भारतीय सरकार मोबाइल फोन के नाम पर हम लोगों से मोटा रकम वसूलते हैं। आज भारत इतना आगे बढ़ चुका है कि इनकी कारनामे आप तो जरूर जानते होंगे। भारत ही एक ऐसा पहला देश है जो पहली ही कोशिश में मंगल ग्रह पर पहुँच चुका और एक साथ 104 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आ रही नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार, आप देख रहे हैं YouTube चैनल डिप्ली ज्ञान।